आज के वीडियो में हम MG Aster के प्रोज एंड कॉन्स को कवर करेंगे। MG Aster का जो बेस मॉडल था या जो टॉप मॉडल था उसको मैंने पहले ही वॉक अराउंड किया था, डिजिटल वॉक अराउंड था, तो वो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हो। आज हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे कि MG Aster में क्या एडवांटेज है और इसी के साथ इसमें क्या कमियां मिलती हैं या क्या डिसएडवांटेज है Aster के, वो देखते हैं। तो पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं। तो MG Aster का जो पहला एडवांटेज है वो है इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस। अगर आप Aster की प्राइस देखो तो बेस मॉडल इसका 9.78 लाख से स्टार्ट होता है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। यहीं पे आप देखो सेल्टॉस की प्राइस अभी चल रही है करंट में बेस मॉडल की 9.95 लाख, क्रेटा की 10.16 लाख और स्कोडा कुशाक की 10.5 लाख। तो यहाँ पे Aster बेस मॉडल की प्राइस बहुत ही कम है इनके कंपैरिजन में आप देखो, जबकि सेगमेंट सेम है। हाँ, यहाँ पे प्राइसिंग तो कम है बट ऐसा नहीं है कि फीचर्स कम है, फीचर्स इनफैक्ट ज्यादा ही निकलेंगे। यहाँ पे Aster का जो सेकंड प्रोज है वो है इसका बेस मॉडल। अब बेस मॉडल मैंने प्राइसिंग तो बता दी कि प्राइसिंग एडवांटेज हो गया, लेकिन जो बेस मॉडल है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे इस सेगमेंट में। आप क्रेटा का बेस मॉडल देखो या सेल्टॉस का देखो, कुशाक का देखो, इन सभी के कंपैरिजन में MG Aster का बेस मॉडल ज़्यादा वैल्यू आपको देता है। जैसे बेस मॉडल की प्राइस भी पहली बात तो कम है, दूसरी ब्रांड से आप देखो तो 20 से 30,000 रुपये कम मिलती है, लेकिन फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं। MG Aster के बेस मॉडल में जो पूरा इंटीरियर है, डैशबोर्ड में सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है, टच स्क्रीन देखने को मिलती है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ, रियर एसी वेंट है, ऑटोमेटिक एसी है, चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, सेफ्टी भी बहुत कमाल की है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, साथ ही साथ में एयर प्यूरीफायर भी है। तो मेरे हिसाब से MG Aster का जो बेस मॉडल स्टाइल वेरियंट है उसमें जितने फीचर्स मिलते हैं ना ही आपको क्रेटा के बेस मॉडल में मिलते हैं, ना ही सेल्टॉस के बेस मॉडल में, ना ही कुशाक के बेस मॉडल में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर जिनको बेस मॉडल खरीदना है सिंपली आप MG Aster का बेस मॉडल खरीद सकते हो पेट्रोल में। हेड MG Aster का एडवांटेज है कि इसमें आपको अडास देखने को मिलता है जो कि सेगमेंट में फर्स्ट है, किसी भी गाड़ी में आपको इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता। लेवल 2 का ऑटोनोमस सिस्टम मिलता है, अडास मतलब एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, और इसमें बहुत ही कमाल के फीचर हैं जैसे कि लेन कीप असिस्ट, ये सब तो हो ही गए। हाईवे में ड्राइव करते हो तो आपको पूरा गाइड करता है, ऑटोमेटिकली अगर कोई पैनिक क्रिएट होता है तो उस टाइम ब्रेक्स भी अप्लाई हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं। ज़्यादा मैं अडास के डिटेल में नहीं जाऊँगा बट हाँ आप ये जान लो कि MG Aster ही ऐसी गाड़ी है ये इस सेगमेंट में, क्रेटा सेल्टॉस या कुशाक वाले सेगमेंट में जो मिड साइज की एसयूवी है इस सेगमेंट में, जो कि आपको ऑटोनोमस सेफ्टी यानी कि अडास ऑफर करती है, कोई दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। अडास एक रोड सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। फोर्थ प्रोज MG Aster का है कि इसमें आपको ना एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, तो ये भी काफी कूल है और नया है, किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता, तो इसको ये आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। इनफैक्ट आप एक प्रोज ये भी ऐड कर सकते हो कि MG Aster का जो टॉप एंड मॉडल है वो बहुत ही फीचर रिच है, जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सनल असिस्टेंट मिलता है AI सिस्टम के साथ, इसी के साथ अडास देखने को मिलता है, कनेक्टेड फीचर रहेगा ही, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, पूरा लेदर वाला इंटीरियर देखने को मिलता है। तो हाँ, फोर्थ प्रोज में ये आप ऐड कर सकते हो कि जो पर्सनल असिस्टेंट है वो भी फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट है। अगर आपको पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, ये आप देख सकते हो छोटा सा रोबोट जो कि डैशबोर्ड में फिक्स किया गया है, ये आपके हर एक सवाल के जवाब देने वाला है, तो ये भी एक काफ़ी कूल चीज़ है और नई चीज़ है। तो अगर आपको ये चाहिए तो MG Aster आपके लिए सिंगल गाड़ी है। यहाँ पे MG Aster के फोर प्रोज हुए। अब प्रोज के साथ साथ यहाँ पे कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं जो कि मैंने फील करी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे MG Aster की जो सबसे बड़ी कमी पर्सनली मैंने इसको फील करी है वो ये है कि इसमें आपको डीजल इंजन देखने को नहीं मिलता। अब ये मैंने कैसे फील करी गई इसकी, देखो मैं खुद प्लान कर रहा था गाड़ी खरीदने का और मैं MG Aster का वेट कर रहा था, और मुझे ये था कि अगर MG Aster डीजल में आती है तो मैं पक्का इसको खरीद लूँगा, लेकिन अभी डीजल में है नहीं तो यार फिर मैं पेट्रोल गाड़ी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है और पेट्रोल की प्राइसिंग आप देख सकते हो, तो मुझे एक डीजल गाड़ी चाहिए थी। तो हाँ, ये एक कमी है और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए क्रेटा और सेल्टॉस की सेल इतनी अच्छी है, क्योंकि यार डीजल इंजन भी है, तो डीजल इंजन डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो कि इस सेगमेंट में प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एसयूवी गाड़ी ले रहे हो ना, एक बड़ी गाड़ी ले रहे हो, तो डीजल ज़्यादा वर्थ रखता है, क्योंकि पेट्रोल इस सेगमेंट में यार कितना ही माइलेज निकालेगा, क्योंकि SUV का वेट ज़्यादा होता है, टायर काफ़ी मोटे होते हैं, तो यार
पेट्रोल में आप 9-10 का माइलेज निकालोगे और पेट्रोल की इतनी प्राइस है भाई, मेरे हिसाब से मुझे तो वर्थ नहीं रखता। सेकेंड कमी एमजी एस्टर में लगती है, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में बताया, इसका जो लुक है ना वो प्रॉपर एसयूवी लगता नहीं है। आप देखो ये पूरा एक क्रॉस ओवर जैसा है, जैसे इसी सेगमेंट में आपको सेल्टॉस मिलती है, क्रेटा मिलती है, कुशाक मिलती है, फोक्सवैगन टाइगून मिलती है, ये सभी प्रॉपर एसयूवी लगती है। देखने में आपको जो स्टांस है बड़ा मिलता है, लेकिन एस्टर जो है वो क्रॉस ओवर जैसी लगती है। लेकिन आपको एक फैक्ट बताऊं, एस्टर की जो एक्चुअल डायमेंशन है ना वो क्रेटा और सेल्टॉस से लंबी है, विड्थ भी ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसे डिज़ाइन है कि आपको छोटी फील कराती है देखने में। तो ये एक कमी है कि प्रॉपर एसयूवी नहीं लगती, क्रॉस ओवर जैसी आपको डिज़ाइन मिलती है। थर्ड कमी जो कि एमजी एस्टर में है, पर्सनली ये वो लोग फील कर रहे होंगे जिन्होंने अभी तक बुकिंग कराई है या कराने वाले हैं, कि अभी ना 2021 के लिए एमजी एस्टर कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुकी है। एमजी के टीम ने डिस्कस किया था कि इसके अराउंड 5000 यूनिट 2021 में सोल्ड होंगे, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो अभी वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अगर आपको एमजी एस्टर खरीदना है, आज आप बुक भी करा देते हो तब भी आपको अभी 2021 में तो उम्मीद नहीं है डिलीवरी की। तो ये कमी है ना यार कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो ये तीन कमी है, चार एडवांटेज थे। आप बताओ कौन सी इसमें से प्रोज और कौन सा आपको मैटर कर रहा है, कमेंट बॉक्स में।